अब हम आरएनए के इस सेगमेंट में बात करेंगे कांग्रेस की। चौंकिए मत, कांग्रेस कहीं सरकार नहीं बना रही, ना ही किसी राज्य में उसकी सरकार जाने वाली है। दरअसल हम बात करेंगे कांग्रेस पर पड़ने वाले ईडी के शिकंजे की। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शिकंजा गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर है। कांग्रेस के शुभचिंतकों का कहना है कि बीजेपी सोनिया और राहुल को टारगेट कर रही है, लेकिन कोई सरकार की किसी विरोधी दल के सबसे बड़े नेता को इस तरह से टारगेट कर सकती है क्या? क्या सच में नेशनल हेराल्ड मामला इतना बड़ा है कि सोनिया राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है? क्या है ये नेशनल हेराल्ड का मामला जो कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता के लिए नश्तर बन गया है? कुछ तो बात है इस केस में, वरना अभी इंटरनेशनल लेवल पर खिंचाई झेल रही बीजेपी भला ऐसा क्यों करेगी? दरअसल 2012 में वो साल था जब पहली बार नेशनल हेराल्ड मामले की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी को कौन नहीं जानता, बीजेपी नेता है, लेकिन अभी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में अमित शाह पर ही तंज कस दिया था। खैर जो भी हो, फिलहाल तो उनका लगाया आरोप ही भाजपा के काम आ रहा है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। ये सब दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया। आप सोच रहे होंगे एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड YIL का क्या मतलब है, क्या है ये चल क्या रहा है? तो ज्यादा सोचिए मत, कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये सब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, आजादी से भी पहले। अतीत की इस कहानी में आपको पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी मिलेंगी और राजीव गांधी भी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि यह मामला उतना ज्यादा पेचीदा नहीं जितना अभी आपको लग रहा है। नेशनल हेराल्ड अखबार आजादी के पहले शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसकी शुरुआत की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की कंपनी करती थी। पंडित नेहरू ने 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ 1937 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। ये कंपनी दो और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन। नेशनल हेराल्ड जब शुरू हुआ था तो इसकी एक लाइन की काफी चर्चा होती थी, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट, यानी स्वतंत्रता खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है। पंडित नेहरू इस अखबार के पहले संपादक थे। चलिए अब आपको नेशनल हेराल्ड की कुछ खास बातें बता देता हूं। नेशनल हेराल्ड का सफर 1938 में इसकी शुरुआत हुई। पहली बार 1942 में अंग्रेजों के कारण इस अखबार को बंद करना पड़ा था। साल 1942 से 1945 तक अखबार का एक भी अंक प्रकाशित नहीं हुआ था। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद के रामराव हेराल्ड के संपादक बने। 1946 में फिरोज गांधी ने अखबार की बागडोर संभाली। साल 1977 में एक बार फिर अखबार को बंद करना। इंदिरा के चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी ने संभाली कमान। खराब प्रिंटिंग और तकनीकी खामियों का हवाला देकर 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। एक बात और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम संजीव पालीवाल है और मेरे ताऊजी ओम प्रकाश पालीवाल जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू इस अखबार के संपादक थे, उस वक्त मेरे ताऊजी ओम प्रकाश पालीवाल इसी अखबार में। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि ये AJL क्या बला थी और नेशनल हेराल्ड को लेकर इतना सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है। असल में कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर इस अखबार के बंद होने के बाद शुरू हुआ। 2008 में कांग्रेस सत्ता में थी, इसी दौरान अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। 2008 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL हेराल्ड मामले में जो चल रहा है, समझिए उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, यंग इंडिया लिमिटेड। 2010 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। कांग्रेस इसे अव्यवसायिक कंपनी कहती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को डायरेक्टर इस कंपनी में बनाया गया।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास इस कंपनी के 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। इनमें से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं है, जो हैं उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। AJL आप समझ चुके हैं, YIL को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू समझिए, जिसको लेकर ईडी कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था, तब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये लोन अखबार का संचालन फिर से शुरू करने के लिए दिया गया था, लेकिन अखबार कभी शुरू ही नहीं हुआ और AJL इस कर्ज को कांग्रेस को चुका भी नहीं पाई। यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 90 करोड़ की देनदारियों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, मतलब एक तरह से उसका लोन चुकाने की जिम्मेदारी ले ली। बाद में AJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। अब इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडिया को AJL के 99% शेयर मिल गए। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। इस तरह राहुल सोनिया गांधी की 76% वाली शेयर होल्डिंग की कंपनी यंग इंडिया को मुफ्त में AJL का स्वामित्व मिल गया। क्या कहती है कांग्रेस इस मामले पर? कांग्रेस का कहना है कि जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले AJL को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस ने उसे बचा लिया, क्योंकि वो अपनी ऐतिहासिक विरासत में विश्वास करती थी। साथ ही कांग्रेस ये भी दावा करती है कि AJL के पास अब भी नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व बना रहेगा, संपत्ति का कोई परिवर्तन या हस्तांतरण नहीं हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कब आई? 2014 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल को समन भेजा। 2015 में ईडी दोबारा इस केस की जांच शुरू कर देता है। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल पटियाला कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान केस की सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट का सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार होता है। सोनिया राहुल समेत अन्य नेताओं को निजी रूप से अदालत में हाजिर होने की छूट मिली। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने AJL को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। फरवरी 2019 में गांधी परिवार फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 1 जून 2022 को ईडी ने सोनिया और राहुल को हाजिर होने का नोटिस भेजा। डिजिटल का दौर है और इत्तफाक देखिए कि नेशनल हेराल्ड अब भी डिजिटली चल रहा है। 2016 में नेशनल हेराल्ड का डिजिटल वर्जन फिर से लॉन्च किया गया था। स्वतंत्रता खतरे में है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस टैगलाइन वाले अखबार नेशनल हेराल्ड को लेकर कई सालों से नेशनल बहस हो रही है। इसे जिंदा रखने की कोशिश और दावे राहुल गांधी और उनके पोस्टर तो कर ही रहे हैं। देखते हैं कि सोनिया की ईडी विजिट के बाद इस केस में और क्या मोड़ आते हैं। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे RNA के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके RNA के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।